क्यों बैटमैन मूवी कभी आर रेटेड बन ही नहीं पाएगी। अब ऐसी बात नहीं है कि स्टूडियो हमेशा ही हरामखोर होता है, बल्कि इस बात की गणित ऐसी समझो, ये अपना जो बैटमैन रिलीज हो रहा है $100 मिलियन में बनी है, और कंसीडर करके चलते हैं कि स्टूडियो ने $100 मिलियन इसके प्रमोशन पे भी खर्चे होंगे आराम से, तो इस हिसाब से अगर मूवी थिएटर्स 50% टिकट सेल्स रखते हैं तो बैटमैन को 400 मिलियन कमाने पड़ेंगे, तब तो जाकर वो अपना हिसाब बरोबर कर पाएगा। और बात समझो, ठीक उसी की जगह अगर वो बच्चों की पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करके कोविड के बाद इसे आर रेटेड रिलीज करते हैं तो इस पिक्चर को वन ऑफ दी हाईएस्ट ग्रॉसिंग आर रेटेड मूवीज में से एक होना पड़ेगा, तब तो जाके वो वार्नर ब्रदर्स के इन्वेस्टमेंट्स को कवर कर पाएगी। प्रॉफिट की बात छोड़ दो, क्योंकि आज भी आर रेटेड मूवीज में से भी किसी मूवी को 400 मिलियन कमाना बहुत ही बड़ी बात होती है। और ऊपर से गुरु लोग, यार बैटमैन की जड़ें दुनिया भर में फैली हैं, बच्चों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और हां भाई, ये बात भी सही हो सकती है कि भाई बच्चे भी अपनी जेनेरिक बकचोदी को छोड़कर कुछ मैच्योर थीम्स देखेंगे PG-13 का घूंघट ओढ़ के।